आप सभी का आर्ट एंड बैचेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और कोर्सेज मिलते रहें। वन डे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को यहाँ पर ये ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही आपको एग्ज़ाम अपडेट और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नितिन जायसवाल एनजे सर सर्च करना होगा और आपको वहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। सभी वीडियो कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर के आप FB ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सभी डिप्लोमा धारकों को मेरी तरफ से बधाई, और डिप्लोमा धारकों के लिए BTSC ने, बिहार तकनीक सेवा आयोग ने 6,379 टोटल पद ये निकाले हुए हैं, और जिनकी भर्ती जो है ये मेरिट के माध्यम से करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आप ऑफिशियली वेबसाइट पर, इसके BTSC की वेबसाइट पर जा करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट आई हुई हैं बहुत ही अच्छी हैं, सारी की सारी पोस्ट ऑफिसर लेवल की आप देख सकते हैं, 4600 ग्रेड पे की हैं सारी की सारी यहाँ पर। और जो है इनके अलग अलग विभाग की जो तिथि, वो सॉरी जो रिक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पर दी गई हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका लिंक वहाँ पर आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चले जाएँ। आप जान जाइए यहाँ पर 6,379 वैकेंसी टोटल आई हुई हैं, और इसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है कनीय अभियंता सिविल यानी असैनिक, इसके लिए दिया गया है अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो। आपका सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा दिया है UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में सिविल डिप्लोमा के उक्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय, मतलब कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के हों और नॉन डिस्टेंस मोड में आपका जो है सिविल डिप्लोमा हो तब भी आपका माना जाएगा। इसके बाद यहाँ दिया है कनीय अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल के लिए है कि आपका मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। कुल स्वीकृत बल का 90% पद के लिए अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए बताया गया है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसमें की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये यहाँ पर कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए भी जो है बता दिया गया है कि इनको सबसे पहले डिप्लोमा रखना होगा, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में अगर डिप्लोमा उन्होंने कंप्लीट किया है तब भी वो माना जाएगा। इसके बाद भवन निर्माण के लिए भी इन्होंने दोनों वैसा ही बताया हुआ है कि आपके पास जो है विद्युत अभियंत्रण मतलब इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर UGC के प्रावधानों के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी नॉन डिस्टेंस मोड का डिप्लोमा हो तब भी चलेगा। और एज लिमिट इन्होंने 1/8/2018 को काउंट करते हुए बताई है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी हुई है, और अधिकतम आयु जो है आरक्षित सामान्य वर्ग के लिए, अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला के लिए 40। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए 40 वर्ष रखी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए 42 है, और जो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 62/5/1/2007 के आलोक में निःशक्त जनों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमन्य है। मतलब कि कोई भी अगर विकलांग अभ्यर्थी है और इन कैटेगरी में आता है तो इसमें 10 और जोड़ ले 10 वर्ष का। संविधान के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं की अधिकतम उम्र सीमा में कुल अधिकतम 10 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद चयन की प्रक्रिया बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा चयन। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम निगम निकाय प्राधिकार में संविधान के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग की भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं उनको अतिरिक्त अंक देकर अधिमानी दी जाएगी। तो देखिए डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आपको सिर्फ परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है 75% उसके नंबर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी। का पॉइंट दिया गया है, डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर, मतलब आपको सबसे पहले 75% अंक दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 1800 का आपका पेपर हुआ है, 1800 में आपने 1000 नंबर पाया है तो आपको 75% उसका 750 अंक वहाँ का मिल गया। इसके बाद लिखा है, संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता प्रति कार्यरत प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा। आपने अगर संविदा के तहत जो है इस पर कनीय अभियंता के अधिकतम जो है काम किया है तो 5 अंक जो है प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। अधिकतम सीमा मतलब कि अगर आपने मैक्स 5 साल से अधिक काम किया है तब आपको 25 अंक ही दिए जाएंगे। और यहाँ पर दिया है, किसी वर्ष के
अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के बाद पश्चात 3 से भाग दे दिया जाएगा और उसके बाद अनुपातिक जोड़ा जाएगा। तो ये इनका प्रावधान है कि ये कैसे आपकी मेरिट बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ये जानकारियाँ दी गई हैं, इनको आप अच्छे से समझ करके पढ़ करके तब फॉर्म अप्लाई करिएगा। आरक्षण के लिए यहाँ पर इन्होंने बिहार बोर्ड ने BTSC ने जैसा बताया है ये अपने अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। यहाँ पे आरक्षण जैसा रहेगा आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे आरक्षण कोटि कौन कौन सी है इनके यहाँ यहाँ पर लिख दी है इन्होंने। आरक्षित कोट में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग की महिला, सबको अलग अलग, इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला भी इसमें आया हुआ है इन्होंने रखा है। और आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है राज्य के बाहर वालों को 200 रुपये, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, और जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर को 200 रुपये, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो है उनको सिर्फ 50 रुपये का शुल्क देना होगा, और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं बिहार राज्य के स्थायी होने चाहिए निवासी, उनको 50 रुपये ही देने होंगे। और इनको जो है कैसे पैसे कटवाने हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पे पैसे कटवा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि आपको सभी जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र अंक काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करके रख लीजिएगा तभी आप जाइए, क्योंकि मेरिट के आधार पर है तो परीक्षा वगैरह कुछ होना नहीं है, आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके ले जाना होगा। यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थी 3 महीने के अंदर का खिंचा हुआ अपना एक रंगीन फोटो, बैकग्राउंड सफ़ेद लेना होगा, समतल तथा छायाबीन होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें, 25 से 30 mm का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका फ़ोटो रहे उसका बैकग्राउंड वाइट कलर का रहे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, तो ये लेटेस्ट अपडेट जो थी मैंने आपको पहुंचाई यहाँ पर, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कोर्सों से जुड़े रहने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज हैं और अपने मनपसंद कोर्स को चुन सकते हैं।